पंजाब में कांग्रेस सरकार के राज में पंचायती चुनावों में सरेआम हो रही है धक्केशाही और खुलकर हो रहा है डेमोक्रेसी का कत्ल। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किए गए ट्वीट में गांधी परिवार को निर्दोष करार दिए जाने पर सुखबीर बादल बोले, एक तरफ पूरी कौम है और दूसरी तरफ गांधी परिवार है, इसका फैसला जनता ने करना है कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल द्वारा आज जिला फाजिल्का के सभी हलकों में अपने वर्करों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें सुखबीर बादल द्वारा विधानसभा हलका बोहर, बल्लुआना, खुइया सरवर, फाजिल्का और जलालाबाद का दौरा किया गया और अपने वर्करों के साथ 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव संबंधी विचार चर्चा की। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के जिला भर से आए सैकड़ों नेताओं और वर्करों ने भारी गिनती में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार के राज में होने वाली पंचायती चुनाव में खुलकर धक्केशाही की जा रही है। उन्होंने सरेआम हो रही इस धक्केशाही को डेमोक्रेसी का कत्ल होना बताया। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ट्वीट कर 1984 में हुए दंगों में गांधी परिवार के निर्दोष होने और इस मामले में हो रही राजनीति पर किए गए ट्वीट पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो गांधी परिवार की चमचागिरी करने पर तुले हुए हैं, उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरी कौम खड़ी है और दूसरी तरफ गांधी परिवार है, फैसला जनता ने करना है कि किसे चुनना है और कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। वहीं इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल, एक और नया अकाली दल होद में आ गया है, उस पर उनका क्या कहना है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कई अकाली दल आए और गए लेकिन अकाली दल हमेशा एक ही रहेगा। वहीं 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि अकाली दल बादल और बीजेपी मिलकर ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और दोनों पार्टियां मिलकर ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और इन चुनावों के लिए दोनों पार्टियां डटकर तैयार खड़ी हैं और दोनों पार्टियों द्वारा आपस में मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं लोकसभा हलका फिरोजपुर से हरसिमरत कौर बादल द्वारा अकाली दल सीट से चुनाव लड़ने संबंधी पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी जगह से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला उनकी पार्टी द्वारा बनाई गई कोर कमेटी के सदस्य ही करेंगे, किस जगह से कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। वहीं पत्रकारों द्वारा शेर सिंह घुबाया के वापस पार्टी में आने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पंजाब सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के कर्ज माफी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों के साथ सरेआम फ्रॉड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कर्ज माफी में सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों का ही कर्जा माफ किया जा रहा है, ना कि किसानों द्वारा लिया गया आम लोन भी माफ हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इस बार अगर अकाली दल की सरकार आती है तो वह अपने चुनाव मैनिफेस्टो में जो भी वादे करेंगे उसे पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अकाली दल ने अपनी सरकार के वक्त किसानों का ट्यूबवेलों का बिल जो 6,000 करोड़ रुपए जो हर साल का बिल होता था वह माफ किया जाता था, जो कि 10 साल में 60 से लेकर 65,000 करोड़ रुपए तक किसानों का ट्यूबवेल का बिल माफ किया गया था। वहीं माइनिंग पर बनाई गई नई पॉलिसी पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टे पर उन्होंने कहा कि यह सरकार ना ही माइनिंग पॉलिसी बनाना चाहती है और ना ही लिक्विड पर पॉलिसी बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक और बड़े नेता शराब की स्मगलिंग में लगे हुए हैं, जो हरियाणा से शराब लाकर यहां बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में कहीं भी लीगल माइनिंग नहीं हो रही है, हर जगह इनलीगल माइनिंग की जा रही है, यह सब कुछ कांग्रेस के विधायकों और लीडरों की शह पर सरेआम चल रहा है। पंचायती इलेक्शन नहीं, पंजाब का सारा कांग्रेस ने सारे जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दे कैंडिडेट है मेजोरिटी ऑफ द कागज नहीं भरन दिते, उन्हां नाल बहुत ज़्यादा धक्का किया, एनओसीज नहीं दित्तियां। मैं लगता है इलेक्शन कमीशन वाई बेनती करता है कि इलेक्शन नॉमिनेशन का कर देन, इलेक्शन तो है ही नहीं, जमा डेमोक्रेसी का मर्डर किया। बादल साहब, कैप्टन साहब ने ट्वीट किया कि 1984 दंगे की राजनीति की जा रही है, गांधी परिवार निर्दोष है, जे कैप्टन साहब कह दें, कैप्टन साहब को मैं कहना चाहना इन्नी चमची मारन की लोड़ नहीं गांधी परिवार की,
फैसला तुम कर लो, एक पासे कौम है एक पासे गांधी परिवार, कि चुनना। सर एक रिपोर्ट आ रही है कि मान साहब एक रिपोर्ट आ रही कि इन्हें इलेक्शन के इस बार बीजेपी अकाली दल ज़्यादा सीटा की मांग कर रहे हैं। कोई रिपोर्ट थोड़ी, रिपोर्ट बहुत गलत है। हाँ जी हाँ जी।